रशिया यूक्रेन वॉर के बीच यूक्रेन का काकोवका बांध तबाह हो गया है। बांध पर हमला किसने किया है ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बांध वाला एरिया रूस के कब्जे में था। रूसी सेना ने यूक्रेनी हमले में इसके तबाह होने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों ने इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। ये बांध रशिया ने तोड़ा है या यूक्रेन ने पता नहीं, लेकिन बांध टूटने की वजह से आसपास के करीब 80 गांवों पर बाढ़ का खतरा है, इसलिए आसपास के गांवों को खाली कराया जा रहा है। ऐसा ही हमला पिछले साल यूक्रेन ने रूस के क्रीमिया ब्रिज पर किया था। तब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे आतंकी हमला कहा था। हो सकता है पुतिन ने इसी हमले का बदला लिया हो। यह बांध यूक्रेन की नीपर नदी पर बना था, जिससे काकोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए भी पानी दिया जाता था, इसलिए इस बांध के टूटने से यूक्रेन को गहरा झटका लगा है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किन कारणों की वजह से बीते 1.5 साल से यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है। रूस यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से ही युद्ध चल रहा है और अब ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की सबसे बड़ी वजह नाटो को माना जाता है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1949 में शुरू किया गया था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। 1917 से पहले रशिया और यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1917 में रशिया की क्रांति के बाद ये साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। लेकिन यूक्रेन मुश्किल से 3 साल भी आजाद नहीं रह पाया और 1921 में यूक्रेन सोवियत संघ में शामिल हो गया। इसके बाद 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो 15 नए देश बने, जिसमें यूक्रेन भी शामिल था। लेकिन शुरुआत से ही यूक्रेन को लगता था कि वह अपने दम पर रशिया से मुकाबला नहीं कर सकता है और यूक्रेन को अलग देश होने पर भी यूक्रेन में रूसी शासन के आदेश अनुसार ही काम होता था। इसीलिए यूक्रेन ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता था जो युद्ध में उसकी मदद करे और हर परिस्थितियों में उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करे, और नाटो से अच्छा विकल्प उसके लिए उस समय कोई नहीं था। यूक्रेन रशिया के दबाव से बाहर निकलने के लिए नाटो में शामिल होना चाहता है। रूस को लगता है कि अगर उसका पड़ोसी देश नाटो के साथ गया तो नाटो देशों की सेनाएं यूक्रेन तक आ जाएंगी, यानी रशिया की सीमाओं तक आ जाएंगी, और ये रूस की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि नाटो देश रशिया को अपना दुश्मन मानते हैं। इसलिए रूस नहीं चाहता है कि उसका पड़ोसी देश उसके दुश्मन देशों के साथ मिल जाए। हालांकि 2008 में नाटो देशों ने फैसला किया था कि वह अपने सैन्य संगठन में यूक्रेन को शामिल करने पर विचार करेगा और इसके लिए एक कमेटी भी बनाई थी, लेकिन उस समय रशिया की तरफ से यूक्रेन पर इतना दबाव बनाया गया कि उसे इस फैसले से पीछे हटना पड़ा। लेकिन यूक्रेन इसके बाद भी अलग अलग समय पर नाटो देशों में शामिल होने का प्रयास करता रहा है। नाटो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 बड़े देशों का मिलिट्री ग्रुप है और नाटो देश इस सिद्धांत को मानते हैं कि अगर कोई देश इनके मित्र देश पर हमला करता है तो ये हमला सभी नाटो देश पर हमला माना जाएगा और ये सब एक साथ मिलकर उस हमलावर देश के खिलाफ लड़ेंगे। रूस के कुछ पड़ोसी देश पहले ही नाटो में शामिल हो चुके हैं और रशिया नहीं चाहता है कि अब यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो जाए और रशिया नाटो देशों की सीमाओं से घिर जाए। 2014 में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बिना युद्ध लड़े ही पूर्वी यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए थे, जिससे दोनों देशों के बीच और तनाव बढ़ गया था। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रशिया की सीमा पर स्थित डोनेत्स्क और लुहांस्क नाम के 2 क्षेत्रों, जिन्हें डोनबास रीजन के नाम से जाना जाता है, उन्हें स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था और 2014 से ही वहां रशिया के समर्थन वाले संगठनों का ही नियंत्रण है और अभी भी यहां रूस का ही कब्जा है, यानी यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही रूस के कब्जे में है। इस युद्ध में अब तक 3 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं और 2 लाख से भी ज्यादा लोग लापता हैं। अमेरिका समेत नाटो के सभी देश रूस के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन फिर भी रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान समेत कई देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं। रूस यूक्रेन के युद्ध के पीछे एक और बड़ी वजह है, यूक्रेन में बहुत अधिक मात्रा में नेचुरल गैस के संसाधन हैं और रशिया चाहता है कि इन प्राकृतिक संसाधनों पर उसका कब्जा रहे। बीते 1.5 सालों से चल रहे इस युद्ध के क्या परिणाम आएंगे, इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है, लेकिन ये भी सच है कि स्थिति दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। आज का सवाल है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। सवाल का सही जवाब और इस युद्ध के बारे में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।